नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज के इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। जनपद ललितपुर में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत जनपद पुलिस को बेहतरीन कामयाबी हासिल हो रही है। इसी क्रम में बीते मंगलवार को जनपद ललितपुर की थाना गरार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब उसने चेकिंग के दौरान दो अंतर जनपदीय बाइक चोरों को चोरी की दो बाइकों और अवैध तमंचों के गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने तीन और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आपको बताते चलें कि बीते मंगलवार को शाम करीब 5:30 बजे थाना गरार पुलिस द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार पांडे मैं हमराही पुलिस बल के साथ झागर तराहे पर भ्रमण के दौरान चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें दो लोग मोटरसाइकिलों समेत संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। उनसे पूछताछ करने और चेकिंग करने के दौरान उनके पास से चोरी की दो मोटरसाइकिलें बरामद की गईं तथा दोनों के पास से अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बाद में पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने अन्य स्थानों से तीन और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए अभियुक्तों के नाम शाकिर पुत्र नूर मोहम्मद उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम भौती थाना मदनपुर जिला ललितपुर तथा दयालु पुत्र बसु यादव निवासी ग्राम हसरी थाना बमनौरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश बताए गए हैं। बताया गया है कि इन अभियुक्तों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। थाना गिरार द्वारा एक अंतर जनपदीय गिरोह का जो एक दो मेंबर है उनको अरेस्ट किया गया है। इनका नाम शाकिर और दयालु है। शाकिर ललितपुर जनपद का ही रहने वाला है, जबकि दयालु जो है MP छतरपुर का रहने वाला है। ये लोग लगातार हमारे जो ललितपुर जिले हेडक्वार्टर में यहाँ पर भी बाइक की चोरी की घटनाओं को करते रहे हैं। इनके पास से जो हमें बाइकें मिली हैं, लगभग 5 बाइकें मिली हैं, उनमें से 3 जनपद ललितपुर कस्बे शहर से चोरी हुई हैं, एक MP की है और एक अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि कहाँ से चोरी कराई गई हैं। तो हम 3 मुकदमे बाइक के लिखे हुए हैं और भी हम इनकी डिटेल निकाल रहे हैं। जब इनके पास चेकिंग के दौरान इनकी बाइकें पकड़ी गई तो इनकी निशानदेही से और भी बाइकें मिली हैं और इनके पास से ये अवैध हथियार भी रखते थे, वो भी मिला है। तो एक अच्छा गैंग है, बाइक चोरी में थोड़ी कमी आएगी इससे। कितनी बाइकें मिली हैं? टोटल 5 बाइकें जैसे मैंने बताया हैं, वो हैं 3, जो 4 हैं वो ललितपुर की हैं और एक MP की है। तो सबको हम कनेक्ट कर रहे हैं और उनके वादियों को बुला के भी उनको भी सुपुर्दगी जो भी लीगल है उसको दिया जाएगा। और भी सर, और क्या सर, क्या क्या बरामद हुआ इनके पास से? जो बरामद मैंने जैसे बताया बाइक है और तमंचे भी बरामद हुआ है, तो वो भी हम लोग इनको जेल भेज रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।